तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एजी ड्राई सिरप के बारे में। एजी ड्राई सिरप सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। यह सिरप का एमआरपी है 47 रुपीज़। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एजी ड्राई सिरप का उपयोग किन कंडीशन में किया जाते हैं। एजी ड्राई सिरप बच्चों को कैसे दिया जाता है और इस सिरप के वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और ये भी डिस्कस करेंगे एजी सिरप बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। एजी सिरप एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। एजी सिरप का उपयोग शरीर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों पे इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, और कान नाक गला त्वचा में इन्फेक्शन होने पर आपके डॉक्टर एजी सिरप लेने के सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा में कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा में घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर आपके डॉक्टर इस सिरप लेने का सलाह दे सकता है। शरीर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर एजी सिरप लेने के सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट के बात करें तो ज़्यादातर बच्चों में एजी सिरप के वजह से साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चे में सामान्य साइड इफेक्ट हो भी सकता है, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने के मन होना और पेट में दर्द हो सकता है। अब हम बात करेंगे एजी सिरप बच्चों में कैसे देना चाहिए। इस सिरप बच्चों में खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में भी दिया जा सकता है। आमतौर पर डॉक्टर एजी सिरप को शरीर के वजन के अनुसार 10 mg पर किलोग्राम के हिसाब से दिन में 1 से 2 बार लेने के सलाह देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एजी सिरप को बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए। एजी सिरप वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवा बच्चों को तभी देना चाहिए जब ज़रूरी होता है। बार बार या बिना जरूरी के एंटीबायोटिक दवाओं को देने से शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।